दिस इज़ जकी फ्रॉम जकी फार यू आज दोस्तों आपको बताना होप्पो ए नाइनटी फाइव के फिफ्टी प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा अगर आपने स्मार्टफोन बाय कर लिया है या बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है तो वीडियो को आपने कंप्लीटली वॉच करना है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला जो फीचर है दोस्तों वो आपको उसके लिए आपको आना है सेटिंग के अंदर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनलाइजेशन का इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों जो मोस्टली सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर जो यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा वो सभी फीचर आपको यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में मिल जाएंगे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ये थीम्स हैं वाल पेपर हैं और इसके अलावा यहाँ पर मैं आइकन स्टाइल में आ जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखें इसका डिफॉल्ट मोड में सेट है सॉरी दोस्तों मैंने कस्टमाइज यहाँ पर किए हुए थे ये डिफॉल्ट मोड है और इसके बाद मटेरियल स्टाइल पेपेबल और कस्टम तो यहाँ पर आपको बताता कि आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आइकन के जो साइज़ है वो उससे में बड़ा करना चाहते हो तो इसको बढ़ा दीजिए अदरवाइज़ आप कहते हैं कि ज़्यादा साइज़ नहीं चाहिए तो दोस्तों इसको नॉर्मल ही रखें अब आए थे मटेरियल आप में तो आप देखते हैं जो आइकन है दोस्तों स्क्वेयर शेप में यहाँ पर आ चुके हैं आप पीपल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों को आपको यहाँ पर सर्कल में आपको आइकन देखने को मिलेंगे और कस्टम पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं अगर मैं दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी को लो करता हूँ तो आप देखते हैं जो कॉर्नर है वही कर रहे हैं बाकी दोस्तों हमारे पास मुकम्मल जो आइकन है वो स्क्यर शेप में ही है अगर इसको बढ़ाता हूँ तो मुकम्मल स्क्र सॉरी सर्कल शेप में हमें देखने को मिलते हैं आइकन बह कहते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों दिखा दूँ फिंगर प्रिंट एनिमेशन आप अपने स्मार्टफोन के फिंगर की जो एनिमेशन है उसे चेंज कर सकते हैं अब दोस्तों जो इस वक्त मेरे पास सेट है वो ये वाला है आप चाहें तो दोस्तों कोई भी सेट कर सकते हैं उस पर आज आपने क्लिक करना है और वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा तो कोई भी दोस्तों आप यहाँ पर फिंगर दोस्तों फिंगर की जो एनिमेशन है उसे चेंज कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ये है दोस्तों कलर्स आप यहाँ पर दोस्तों मुखलिफ़ इंटरफेस uh, में जाते हैं मतलब कॉल्स वगैरह में ये सेटिंग में तो आपको इस तरह के दोस्तों आपको बॉक्सेस बने हुए नज़र आते हैं तो इनके कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर रिश्तें हर तरह के कलर आपको मिल जाएगा ये हमारे पास डिफॉल्ट मूड सेट है ये कूल cool, वार्म और पिंक और मोरंडी तो इस तरह के डिफरेंट कलर आपको आ, मिल जाते हैं और आप अपनी मर्जी से किसी को भी पिक कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ये है फोट्स यहाँ पर दोस्तों आप फोट्स का जो साइज़ है उसे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं फोट्स का जो स्टाइल है फोट्स भी चेंज कर सकते हैं तो ये रिबोटो इस वक्त ऑलरेडी पहले सेट है मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ ओपो सेंस पर तो ये अप्लाई हो चुका है सॉरी दोस्तों यहाँ पर सेट हो चुका है तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोट वेट तो आप अगर देखते हैं मतलब इसका जो एक तो दोस्तों जो स्पेस है वर्ल्ड स्पेस वो इंक्रीज़ हो रही है मैं इसको दोस्तों कपैसिटी को बढ़ाता हूँ तो जो स्पेसिंग है वर्ल्ड के दरमियान वो इंक्रीज होती जा रही है और अगर दोस्तों इसे मैं करता हूँ तो फोन का साइज है वो बड़ा होता चला जा रहा है अगर डिस्प्ले की मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ डिस्प्ले को तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले का जो साइज है वो छोटा बड़ा होगा उसके बाद कस्टमाइज करने के बाद अप्लाई करेंगे दैन दोस्तों ये लग जाएगा और अपना आपने जैसे भी दोस्तों सेट किया होगा फोन को उसी तरह से वो अप्लाई हो जाएगा आगे रहते हैं पर यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा ऐप लेआउट में आ जाते हैं तो यहाँ पर इसने सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं आ जाता हूँ इधर तो इसके बाद हम आएंगे दोबारा से पर्सनलाइज ऐप ले में तो आप यहाँ पर देखते हैं मेरे पास जो कॉलम्स हैं दोस्तों इसके कुछ पाँच हैं है वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम दोस्तों हम इस तरह से कॉलम होते हैं और रो हमें इस तरह से होते हैं अगर मैं इसे माइनस कर देता हूँ तो आप हमारे से अब हमारे पास फ़ोर कॉलम आ चुके हैं इसके बाद अगर यहाँ ऊपर दोस्तों मैं करता हूँ माइनस कर देता हूँ तो इसके बाद थ्री कॉलम्स हैं और अगर दोस्तों मैं इसे यहाँ से माइनस करता हूँ तो आप दिखते ओनली फोर रो है वन टू थ्री फोर तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐप लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अब आते हैं नोटिफिकेशन ड्राइव के अंदर तो यहाँ पर आप दिखते के जो नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, पर वाईफाई का नोटिफिकेशन है लोकेशन है तो क्या आप दोस्तों उसकी जो शेप है स्क्यर शेप में देखना चाहते हैं आप यहाँ पर देखते हैं शेप हमारे पास से जो हमारे पास शेप है वो स्क्वेयर में आ चुकी है यहाँ पर जो कॉर्नर है वो कॉर्मा बाकी आपको दोस्तों का स्क्वेयर शेप में मिलेगा ये बिल्कुल सर्कल के अंदर है इस तरह से डिफरेंट टाइप के आपको दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्राए आप उसके कस्टमाइज कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो फीचर है उसके लिए आपको आना है सेटिंग के अंदर और इसके बाद हम चले जाएंगे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो ये जो फीचर है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में आपको बता वाला होगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों अनेबल है यहाँ पर डेट सेट करते हैं नोटिफिकेशन है बैटरी है आप यहाँ पर देते अगर डेट को आप नहीं देखना चाहते तो इसे अनचेक कर दीजिए तो अब आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपके पास डेट शो नहीं होगी अगर नोटिफिकेशन पर करते हैं तो नोटिफिकेशन भी शो नहीं होगा बैटरी पर करते हैं तो बैटरी भी जो बैटरी के दोस्तों यहाँ पर आइकन है वो भी आपके पास शो नहीं होगा तो मैं आपको उसे दिखाता हूँ कैसे ये यूज़ होता है डिस्प्ले को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं दोस्तों अब इसे ये हमारे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये वर्क कर रहा है अब जैसे स्मार्टफोन को थोड़ी सी भी मूवमेंट मिलेगी ये आपके पास डे शो कर देगा बैटरी आपके पास और टाइम आपके पास शो हो जाएगा तो ये फीचर इस तरह से वर्क करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ये काफ़ी अच्छा फीचर है नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दोस्तों वो है प्राइवेसी तो प्राइवेसी तो दोस्तों सभी के लिए ज़रूरी होती है तो इस बार मैं क्लिक करूंगा बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं दोस्तों वो ये चार ऑप्शन है एप लॉक हाइड डेप प्राइवेट स्पेस एंड किड्स पेस तो सबसे पहले मैं ऐप लॉक के बारे में आपको बताता तो हूँ यहाँ पर आपने दोस्तों पासवर्ड लगा लेना है यहाँ पर जो भी आपने सेट किया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो ऐप्स हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं मैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास जो कैंडी क्रश गेम है वो कहाँ पर मौजूद है तो आप से ये मेरे पास मौजूद है डेस्कटॉप पर तो इसे दोस्तों मैं अब आप आपको हाइड करके दिखाने वाला हूँ सॉरी लॉक लगा कर दिखाने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तों पासवर्ड आपने लगाना है तो यहाँ पर आप देखते हैं ये इसे दोस्तों मैंने चेक मार्क कर दिया है इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये हमारे पास लॉक हुआ है या नहीं इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर बोलते ये हमारे पास पासवर्ड मांग रहा है आप यहाँ पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं और दोस्तों फिंगर सेंसर को यूज़ करते हुए भी इसे दोस्तों ओपन कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐप्स को कैसे करना है हाइड प्राइवेसी में आएंगे दोबारा से हाइड ऐप्स पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप अपने पासवर्ड सेट करना है तो इसके बाद मैं दोस्तों कैंडी क्रश को ही हाइड करने वाला हूँ तो ये से दोस्तों मैंने यहाँ पर चेक मैक कर दिया है इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ कहीं पर भी आपको यहाँ पर कैंडी क्रश दिखाई नहीं देगी अब दोस्तों बात यहाँ पर ये है भी आपको उसे इसे कैसे एक्सेस करना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों अगर आपने इसे हाइड कर भी लिया तो आप बाद में सोचेंगे कि मुझे इसे कैसे अनहाइड करना है आपको डायलर के अंदर आना है और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो हैश से ही शुरू होगा और हैश पर ही ख़त्म होगा यहाँ पर दोस्तों केयरफुली अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर मैं हैश लिखूँगा तो आप से हमारा जो ऐप था जिसे मैंने हाइड किया था वो हमारे पास दोबारा से शो हो रहा है तो ये फीचर इस तरह से वर्क करता है बैग आते हैं तो यहाँ पर है प्राइवेट स्पेस तो प्राइवेट स्पेस में यहाँ पर भी दोस्तों जाहिर सी बात है पासवर्ड तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि ये प्राइवेसी चीज़ ही ऐसी है तो इमेज एंड वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट्स हैं अदर फाइल्स तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट फ़ोटो वगैरह को यहाँ पर दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये दोस्तों इस वक्त हो चुकी है सिलेक्ट यहाँ पर प्लस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दोस्तों ये पैड वग़ैरह पड़े हुए हैं टिक मार मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये दोस्तों ऐड हो चुकी है प्राइवेट स्पेस के अंदर तो अब मैं आपको दोस्तों जाऊँगा अब फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हमारे पास ये फ़ाइल मैनेजर के अंदर शो होती है या नहीं होती फाइल्स में आते हैं फ़ोटोज़ में आएंगे और कैमराज में तो यहाँ पर आप इससे कहीं पर भी हमारे पास वो जो पिक्चर थी एक लैम्प था और दूसरा हमारे पास पैड वगैरह पड़े हुए थे वो कहीं पर भी शो नहीं है मैं कैमराज में भी जाकर आपको दूसरी एक बार दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या कैमरा में पिक्चर वो शो होंगी या नहीं होंगी कैमरा में आते हैं यहाँ पर पिक्चर्स में इसके बाद मज़ीद दोस्तों यहाँ पर आप पिक्चर देखते हैं कहीं पर भी आपको ना पैड की पिक्चर मिलेगी और ना ही वो जो लैम्प जिसे मैंने प्राइवेट स्पेस में ऐड किया है वो आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी आगे बढ़ते हैं तो ये इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है दोस्तों किड स्पेस तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ इसके बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पर पार्टिकुलर ऐप सेट करके दे देना है ऑल आल अलाउड ऐप्स पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद तमाम ऐप्स यहाँ पर शो हो रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी दोस्तों ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेड ट्रिगर टू इसे मैंने दोस्तों यहाँ पर ऑन कर दिया है चेक मार्क कर दिया है इसके बाद बैग आते हैं और यहाँ पर जो टाइम है दोस्तों कितनी देर के लिए दोस्तों आप इसे देना चाहते हैं मतलब कि टाइम बच्चों के लिए पार्टिकुलर इस ऐप के लिए टाइम सेट करना चाहते हैं 15 मिनट 31 वन हो टू हो थ्री हो या अंडर कितना अनलिमिटेड यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है तो इसके बाद अब हम जाएंगे इंटर किड स्पेस में तो सिर्फ आप देखते ओनली यही ऐप हमारे पास शो हो रहा है कुछ भी मौजूद नहीं है तो आप दोस्तों अपने बच्चों को कोई भी अगर कोई गेम वगैरह प्ले करते हैं या कुछ भी किसी भी चीज़ से पहुँचाना चाहते हैं और पार्टी के अलग कोई ऐप सेट करके देना चाहते हैं तो इस तरह से दे सकते हैं वो दोस्तों इस ऐप्स के अंदर ही रहेगा इससे बाहर कहीं भी नहीं जा पाएगा इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एग्जिट तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मूड है वो खत्म हो जाएगा लेकिन उसके लिए आप यहाँ पर जैसे हमारे पास सिक्योरिटी पासवर्ड मांगा जा रहा है तो मैं यहाँ पर दोस्तों फिंगर लगा देता हूँ तो किड स्पेस इस तरह से जो फीचर है हमारे पास वर्क करता है आगे बढ़ते हैं हमारे जो दोस्तों नेक्स्ट फीचर है उसके लिए दोस्तों आपको आना है सेटिंग के अंदर और इसके बाद कन्वीनियंस टूल्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे नेविगेशन तो बेसिकली दोस्तों ये यूज नेविगेशन अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं और चैशर यूज़ करना चाहते हैं तो नेविगेशन को सबसे पहले मैं दोस्तों नेविगेशन पर क्लिक कर देता हूँ आप हमारे डिफरेंट टाइप के नेविगेशन है तो अगर मैं दोस्तों सबसे पहले बॉल को साइड कर देते हैं इस पर क्लिक किया है जो बैग हमारे पास इस तरफ था बैग की वो दोस्तों लेफ्ट साइड पर आ चुकी है तो इसी तरह से अगर मैं मोर पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये जैशर मूड है अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अदरवाइज इसे यूज नहीं करना चाहते तो आपको दोस्तों बैग आ जाना है इस तरह से दोस्तों ये वर्क करेगा तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर से एरो की एरो पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने बैक आ जाना है और आप चाहते हैं कि सॉफ़्ट कीज को दोबारा से ऑन कर लीजिए तो यहाँ पर वर्चुअल बटन पर आपने क्लिक कर लेना है तो इसके बाद दोबारा से हमारी जो सॉफ्ट कीज़ हैं वो यहाँ पर सेट हो जाएंगी तो यहाँ पर आए थे जेस्चर एंड मोशन के अंदर ये काफ़ी कमाल के इंटरेस्टिंग फ़ीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर है स्क्रीन ऑफ जेस्चर तो यहाँ पर लिखा हुआ डबल टैप टू डबल टैप टू वेक स्क्रीन तो ये जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी अनएबल है तो इसे मैं कर देता हूँ ऑफ और अब मैंने डबल टैप किया है तो आप इसे स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है फ़ौरन से ऑन हो चुके अगर हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो फ़ौरन से हम दोस्तों इस, इसे रीड करेंगे और दोबारा से करेंगे डबल टैप तो ये दोस्तों हमारे पास ऑफ हो जाएगा डिस्प्ले तो इसके बाद लिखा है ड्रा एंड ओ टू ओपन कैमरा अब मैं दोस्तों डिस्प्ले पर ओ ड्रा करूँगा तो आप यहाँ पर इस डायरेक्टली हमारा स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो ओपन हो चुका है बिना दोस्तों आप लॉक खोले और स्मार्टफोन में जा मेन्यू में, में जा, जा जाने के बाद जाए बगैर इसके अंदर डायरेक्टली कैमरा आप ओपन कर सकते हैं इस तरह से ये फीचर वर्क करता है तो इसके बाद हमारे पास अगर वी लिखेंगे तो फ्लैश लाइट हो जाएगी अगर एड जैसे पर क्लिक करते हैं तो अपनी मर्जी से किसी भी आप दोस्तों यहाँ पर फीचर को ऐप वगैरह को यूज़ करने के लिए पार्टिकुलर डब्ल्यू एम बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे आप उसे ऐड कर सकते हैं और दोस्तों इस जैसर को यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हो स्विप डाउन विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट अब मैं दोस्तों थ्री फिंगर के साथ यहाँ पर मैंने स्विप डाउन किया स्क्रीन शॉट हमारे पास आ चुका है मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसे भी आप दोस्तों कस्टमाइज कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ऐसे दोस्तों आप क्रॉप करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें ऐसे दोस्तों आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे क्रॉप कर सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास एक सर्कल के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट है वो शोर है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने देखा इतना ही स्क्रीन शॉट हमारे पास शो होगा इसके बाद मैं यहाँ पर टिक पर क्लिक करता हूं तो ये जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों बैक करते हैं मज़ीद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्क्रीन शॉट का तो ये पर दोस्तों इसके बारे में आपको बता चुका हूँ तो ये येदा से भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है स्क्रीन कार्डिंग में आ जाते हैं बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है गेमर्स के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा बहुत अच्छा है और यूजफुल भी है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड अब दोस्तों आप गेम प्ले करते हैं तो आपके स्मार्टफोन का जो इंटरनल साउंड है वही रिकॉर्ड होगा ये फीचर दोस्तों ओप्पोए नाइन्टी के अंदर मौजूद है लेकिन दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो गेमर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है खैर दोस्तों आप किसी और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो रिकॉर्ड सिस्टम साउंड इस पर दोस्तों इसे ऑन कर लेना है तो अब आपके स्मार्टफोन पर गेम प्ले करते हैं तो इंटरनल साउंड ही रिकॉर्ड होगा मतलब आप दोस्तों रूम में बैठे हैं और पीछे से कोई शोर वगैरह आ रहा है ये कुछ ट्रैफिक की आवाज़ें हैं तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगी सिर्फ इंटरनल से जो गेम का जो साउंड है वही रिकॉर्ड हो पाएगा तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड तो यहाँ पर अगर आप माइक से रिकॉर्ड साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो की रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं जो मीडियम है लो है कस्टम है तो अगर आप दोस्तों मीडियम पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको दोस्तों सेवन ट्वेंटी पिक्सल पर आप वीडियो शूट कर पाएंगे लो पर आते हैं तो फोर एटी पिक्सल पर आप शो कर सकते हैं और अगर कस्टम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से यहाँ पर, पर सेट कर सकते हैं यहाँ पर फोर एटी पिक्सल से सेवन ट्वेंटी के दरमियान जितना चाहें दोस्तों आप यहाँ पर बिट रेट सेट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और अगर यहाँ पर दोस्तों फ्रेम रेट में आए तो आप यहाँ पर दिखते हैं सिक्सटी एफ़ पी एस थर्टी एफ़ पी एस ट्वेंटी फोर और फिफ्टी एफ पी एस के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं फ्रेम पर सेकेंड के लिए दोस्तों अगर आप फिफ्टी एफ पी एस यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है जो वीडियो की जो साइज़ है वो बड़ा तो हो जाएगा लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी इसी तरह से अगर आप नीचे नीचे लो लेकर आते हैं थर्टी एफ़ पी एस भी ले जा सकते हैं ट्वेंटी फोर फिफ्टी जो चाहें दोस्तों आप अपनी मर्जी से एफ़ पी एस को यहाँ पर सेट कर सकते हैं यह है असिस्टिव बाल दो दोस्तों ऑलरेडी अनेबल है आप यहाँ पर देखते हैं इसे यहाँ पर इसे यहाँ से दोस्तों आपने अनेबल कर लेना है इसके बाद आप दोस्तों इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं टैब मेन्यू यहाँ पर अगर मैं दोस्तों क्लिक कर देता हूँ टैब मेन्यू का तो ये ऑप्शन मैंने सेट कर दिया है तो अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा आपने देखा मेरे पास तुम मेन्यू शोर है ये बैक है स्क्रीन है रिसट है अलॉक है और होम है तो अगर आप दोस्तों इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर टैब यहाँ पर लिखा हो अगर टैप करने के बाद आपके पास यहाँ पर अगर आपने इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या शो होगा अगर नोटिफिकेशन ड्रायर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ड्रायर शो होगा डबल टैप है अगर डबल टैप करेंगे तो इसके बाद दोस्तों आप क्या देखना चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाए या वन हंड्रेड मूड ऑन हो जाए या स्क्रीन शॉट मिल जाए तो मैं जस्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने इसे सेट कर दिया अब मैं इस बाल के ऊपर करने वाला हूँ डबल क्लिक तो स्क्रीन शॉट आप देखते हैं यहाँ पर मिल चुका है तो आप अपनी मर्जी से इस असिस्टिव बाल को यूज़ करते हुए क्विकली अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फीचर्स को बिना दोस्तों लॉन्ग टर्म से यूज़ किए बगैर जल्दी से इसे यूज़ कर सकते हैं असिस्टिव बाल को यूज़ करते हुए तो यहाँ पर जैसे ये है हमारे पास स्मार्ट साइड बार तो आप यहाँ पर जैसे मेरे पास छोटा सा साइड बार आ चुका है तो इसमें दोस्तों आपको फीचर्स मिल जाएंगे कैलकुलेटर है रिकॉर्डर है फाइल मैनेजर स्क्रीन ट्रांसलेशन और इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है अगर मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो एप्स हैं वो शो हो रहे हैं आप यहाँ पर अब अगर आप इसमें कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई माइनस करना पड़ेगा तो फॉर यहाँ मैं रिकॉर्डर को माइनस कर देता हूँ तो अब मैं दोस्तों इस पर क्लिक करता हूँ स्क्रीन शॉट पर तो वो आप यहाँ पर दिखे ये हमारे पास ऐड हो चुका है तो मतलब आप दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों पाँच से छः ऐप्स वगैरह को या फीचर्स को ही इसमें ऐड कर सकते हैं स्मार्ट साइड बार के अंदर आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारा जो तो नेक्स्ट फीचर है वो है दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि थ्री फिंगर के साथ दोस्तों आपने आ, स्वीप अप करना है तो जो स्प्लिट स्क्रीन का मूड है वो ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ स्विप अप करने की तो आप दिखते हैं हमारे जो स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो स्प्लिट हो चुकी है आप इस पर मल्टी टास्किंग कर सकते हैं नीचे दोस्तों आप कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं और ऊपर की जाने अगर आप कोई मैच वगैरह देख रहे हैं कुछ भी वीडियो प्ले कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी जैसे भी स्प्लिट स्क्रीन मोड ऑन हो जाएगा और आप इजीली मर... इससे यूज़ करते हैं मल्टी टास्किंग कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप इस मेरे पास दोस्तों सेटिंग मैंने दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर दिया है और मेरे पास जो सेटिंग है वो दोबारा से शो हो गई है आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ पंच करते हैं डिस्प्ले पर तो यहाँ पर वाल पेपर है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ आइकन के बारे में भी आपको बता चुका हूँ तो ये विड्स है इसके बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों डिफरेंट टाइप के विड्स मिल जाएंगे क्लॉक है तो बेसिकली क्रोम है और इसके अलावा अपनी मर्जी से फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों मैं ये वाला सेट कर देता हूँ इस पर मैंने क्लिक किया और ये दोस्तों डेस्कटॉप पर इस वक्त ऐड हो चुका है आपकी मर्ज़ी से आपके पास दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा होगा तो यहाँ पर जो टाइम है ये ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर सेट है यहाँ पर ट्रांजिशन पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी हमारे पास डिफॉल्ट है अगर मैं रोल करता हूँ तो आपने देखा मैं जब दोस्तों आ, स्लाइड करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास रोल के अंदर एप्स होंगे अगर मैं क्यू पर करता हूँ तो कुछ इस तरह से और मज़ीद दोस्तों हम देखते हैं फ्लिप मूड है तो हमारे जो ऐप हैं वो फ़्लिप म्यूट में आएंगे कार्ड में करते हैं तो कुछ इस तरह से अगर हमारे पास टिंट है तो कुछ इस तरह से एप्स हमारे पास होंगे ये डिफरेंट टाइप के दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांजिशन मिल जाते हैं आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों के ड्राइवर मोड में आपके पास दोस्तों अगर मैं ड्रायर मोड पर क्लिक करता हूं आपने देखा जो एप्स की जो सेटिंग है वो चेंज है अगर सिंपल मोड पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ आ, स्पेस के साथ आपको यहां पर एप्स शो होंगे इसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा दैन दोस्तों ये लग जाएगा तो मैं दोस्तों स्टैंडर्ड मोड पर ही रहने देता हूँ इसके बाद अप्लाई कर देता हूँ स्विच पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसके लिए दोस्तों आपको आना है यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में डार्क मोड के बारे में बता दूँ हमारे जो स्मार्टफोन में डार्क मोड का ऑप्शन है दोस्तों मैंने इसे अनेबल कर दिया बेसिकली ये ऑप्शन दोस्तों रात के वक्त यूज़ होता है तो आप यहाँ पर दोस्तों इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक अगर इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखते हैं मैं दोस्तों लाइट थीम करता हूँ क्योंकि तो मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप इसकी जो ब्राइटनेस है वो अपनी मर्ज़ी से ऑटो स्विच पर अगर सेट करेंगे तो स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है वो ऑटो लेवल खुद ही उसे डिटेक्ट कर लेगी और उसकी जो ब्राइटनेस है उसे एडजस्ट कर लेगी इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों आई कंफर्ट का इस पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ आप इस स्मार्टफोन के जो कलर्स हैं थोड़े से दोस्तों यहाँ पर चेंज हो चुके हैं अगर आप लॉन्ग टाइम स्क्रीन प्ले मतलब कोई गेम प्ले करते हैं या मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो इस ऑप्शन को आपको अनेबल कर लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसे यूज़ करते हुए आपके आंखों में एक जलन सी फील नहीं होगी और आप ज़्यादा देर तक स्क्रीन डिस्प्ले को ईजिली देख पाएंगे और लॉन्ग टाइम स्क्रीन लॉन्ग टाइम स्क्रीन प्ले आप कर सकते हैं चाहे गेम हो या मूवीज वगैरह हो आप इजीली देख सकते हैं तो इसके बाद है ऑटो स्क्रीन ऑफ स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है कि आप चाहते हैं तीस मिनट के बाद डिस्प्ले ऑफ हो दस मिनट या पाँच मिनट या दो मिनट या आपकी चॉइस है दोस्तों जैसा चाहें आप कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर तीस मिनट सेट किया हुआ है तो इसके बाद दोबारा से हम आ जाएंगे नोटिफिकेशन पैनल के तो यहाँ पर आपको दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा मज़ीद दोस्तों अगर, अगर पेंसिल पर क्लिक करते हैं तो बहुत से ऑप्शन आपके पास ओपन होकर आ जाएंगे तो यहाँ पर सुपर पावर मोड है अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव करना चाहते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों मैं बैक आ जाता हूँ आई कम्फर्ट को दोस्तों मैं ऑफ कर दूं तो यहाँ पर अब इसे हमारे पास सुपर पावर सेविंग मोड अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ऊपर की तरफ ले आना होगा अनएबल एरिया में तो इसके बाद तब ये हमारे पास वर्क करेगा तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ सुपर पावर सेविंग मोड दोस्तों से इसको ऑन हो चुका है और अब आपके पास दोस्तों यहाँ पर अपनी मर्जी से एप्स को ऐड कर लीजिए वही एप्स आपके पास रन आ, रन कर पाएंगे उसे ही यूज़ कर पाएंगे बाकी जो बैकवर्ड पर जो एप्स यूज़ हो रहे होंगे वो दोस्तों बैटरी कंज्यूम नहीं करेंगे और इसी को यूज़ करते हुए आप इजीली मतलब स्मार्टफोन की बैटरी को बचा सकते हैं अदरवाइज़ इसे आप यूज़ नहीं करना चाहते यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आप ऊपर इसके बाद एग्जिट सुपर सेविंग मोड है इसे दोस्तों एग्जिट कर दीजिए और आप इसे आ, सुपर पावर सेविंग मोड से निकल आएंगे इसके बाद आ, मैं पेंसिल के आइकन पर दोबारा से क्लिक करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन कास्ट का इसे भी दोस्तों मैं ऊपर ले आता हूँ ताकि मैं इसे यूज़ करके आपको दिखा पाऊँ सॉरी दोस्तों यूज़ तो नहीं कर पाऊँगा लेकिन इसके बारे में डिटेल आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इस पर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये है दोस्तों स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन बेसिकली दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है अगर आप बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं टी है एल है या एल है उस पर देखना चाहते हैं तो ये फीचर उसके लिए यूज़ होता है लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में सॉरी दोनों ही डिवाइसिस में टी वी या एल के अंदर कास्ट का फीचर होना जरूरी है हमारे जो स्मार्टफोन है इसमें कास्ट का फीचर है बट अगर आपके पास जो एल है, है या एल है या टी है क्या उसके अंदर कास्ट का ऑप्शन है अगर है तो दोस्तों आप वायरलेस डायरेक्टली स्मार्टफोन का डिस्प्ले आप टी वी एल या एल पर देख पाएंगे तो ये फीचर इस तरह से वर्क करता है इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा फीचर है उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ ये दोस्तों मैंने इसे अलहदा किया हुआ है मैं यूट्यूब पर आता हूँ यूट्यूब के आइकम पर हमने लॉन्ग प्रेस करना है तो बेसिकली किसी भी आपको इस तरह तो अगर आपके पास जो फीचर आएंगे उसे दोस्तों सेपरेट कर सकते हैं मैं यहाँ पर दोस्तों सर्च को अलहदा कर लेता हूँ बिल्कुल तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट और बता रहे हैं जो शॉर्ट शॉर्टकट है ऑलरेडी डेस्कटॉप पर मौजूद है तो इस तरह से दोस्तों आप सर्च को अलहदा कर सकते हैं ऑप्शन को सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को भी भीदा कर सकते हैं बिना यूट्यूब के अंदर जाए दोस्तों आप डायरेक्ट्री यहाँ पर किसी भी वीडियोज वगैरह को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को भी आप आपदह कर सकते हैं बिना यूट्यूब के अंदर जाए डायरेक्टरी आपके जो चैनल वगैरह सब्सक्राइब किए होंगे उनकी वीडियो को आप देख पाएंगे तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ओप्पो ए नाइन्टी फाइव की वीडियो अच्छी लगी लाइक करके जरूर जाइएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग